हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग शर्मा क्लासेस में। आज हम बेसिक कैलकुलेशन के ट्रिक या मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको पहली वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप उन्हें यूज़ कर रहे होंगे अपनी अपनी कैलकुलेशन में और अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए अगली बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। बहुत ही आसान ट्रिक है, किसी भी दो डेट नंबर का, एनी टू डेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। एनी टू डेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना कुछ नहीं बहुत विशेष, जैसे मानिए मैं 52, मैंने एक नंबर ले लिया 52 और एक नंबर है मेरे पास 42 का, मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, मैं 42 जा करूँगा, 22 जा 4, देन मैं क्रॉस इनका कर रहा हूँ 52 जा 10 और 42 जा 8, 10 और 8 18 का होगा मेरा, 1 कैरी रहेगा, 54 जा 20 और 1 कैरी ऐड कर रहा हूँ तो 21 84 हमारा आ रहा होगा इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर एक करा कैसे आपने, मेरे को बताइए। तो हम देखते हैं वो करा कैसे, इसके स्टेप आप नोटिस करिए। सिंपल सा, पहले आपको करना कुछ नहीं है, पहले सबसे पहले आपको यूनिट डेट का मल्टीप्लिकेशन कराना है, यानी 2 का 4 से कराना है। तो 2 4 2 या 4 आपको यहाँ लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया यहाँ। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इन इंटरनल डेट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सुनिए, 5 का 2 से कराना है, 5 2 होता है 10 और 4 का 2 से कराना है, 4 2 होता है 8। अगर आप भूल जाते हैं तो आप इनको जोड़ लीजिए, 5 2 10 और 4 2 8 ऐड कर लीजिए तो कितना आने वाला आपका 18। 18 का ध्यान रखिए सर, 8 लिखना है, कैरी कितना रहेगा 1। इससे सब आपको दिमाग में करना पड़ेगा। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई ना, अगर एक बार आप बिगनर की तरह, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है, गिरता भी है, तो वही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। लेकिन एक बार आप सीखे तो समझ लीजिए बिल्कुल रॉकेट बन जाना है आपके लिए कैलकुलेशन का। तब बहुत आसानी से बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होंगे। 5 2 10 और 4 2 8 आप ऐड कर रहे होंगे, 18 हो गया। देन आप इन्हें या टू टेंथ डेट पर जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, 5 4 20 और जो 1 कैरी था उसको मर्ज कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा 21 2 1 8 4। इस तरीके से अपना आंसर कह पा रहे हैं। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानिए मैं इस बार 72 का मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ, मान लीजिए 21 से, देन क्या करेंगे सर, यूनिट का मल्टीप्लाई 2 1 2। नेक्स्ट देखेंगे 7 1 7 2 2 4 7 और 4 जोड़ रहे होंगे सर तो 11 बन रहा होगा, 11 का 1 कैरी, कैरी 1 रहेगा और 7 2 14 और 1 15। इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आएगी, इसको प्रैक्टिस करिए, अपने से खुद प्रिपेयर करके किसी भी दो डिजिट नंबर को रखिए और मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से और आपके आंसर निकालिए जल्दी जल्दी से। धन्यवाद।